देखिए हमारी गर्मा गर्म खट्टी दाल की रेसिपी तैयार है। तो अगर बेटा तुम कल दो रिबिन लेके आना, ठीक है? हाँ? तुम्हारी झुट्टू डालूंगी मैं। को बात करने की ना तमीज नहीं है यहाँ पर, ना अच्छे स्टाफ रखे हुए नहीं है, एकदम बदतमीज, एकदम बदतमीज। मेकअप नहीं ठोके ना। तो अस्सलाम वालेकुम, हम लोग जा रहे हैं अभी सरकारी भंडार, हर महीने की तरह शॉपिंग कर रही इस महीने भी। तो मेरे साथी मेरी रहनी थी, तो अभी हम लोग रिक्शा में हैं, जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या लेंगे यहाँ। जहाँ से भी पहले हम लोग लेते थे सामान, यहाँ पर जो दुकान है यहाँ से लेके थे, आगे से लेके और भी कुछ सामान लेना था इसको, मैं तो देखूंगी सोचूंगी और देखते हैं क्या क्या मारती हूँ आप लोग। मेकअप नहीं ठोके ना, मेकअप नहीं ठोके ना, पर तोबरे चाह रही थी तो तू आ गए होते। यहाँ पर देख नया नया रोड पे बस पूरी होटल ही होटल लग रही है। ये डब्बा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये डब्बा ले लूँ मैं सोच रही हूँ, पहले पूछना पड़ेगा कितने का है। अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। इस मसाले के लिए मेरे को बहुत दिनों से चाहिए था, एक और चाहिए इसके जैसा, ढूंढ रही है एक और किधर मिलेगा पता नहीं। मसाला बनाया क्या? नवाज का मटन हंडी मसाला, चिकन हंडी बनाई थी। ये क्या है? ये क्या शबनम, मैगी मसाला है क्या? हाँ, ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रही थी वो, उसको मैंने बराबर करी ना। अभी मसाले बैठ के ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ख़राब कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। इन लोगों को बात करने की ना तमीज़ नहीं है यहाँ पर, ना अच्छे स्टाफ रखे हुए नहीं है, एकदम बदतमीज़ है, एकदम बदतमीज़। उसको ना इसी तरह का जवाब होना चाहिए था और मैंने उसको उसी तरीके का जवाब दिया, तब चुपचाप फिर यहाँ से चली गई। कौन सा मसाला है? चकली? चपली, चपली कबाब। अच्छा, वो चपली कबाब। क्या ये सब मसाले लेने में तुझे कितना टाइम लगेगा? अरे शबनम ये भी अच्छा है, पर उसने कल लाया ना चार, इतना खराब लाया है, वो खाए थी जा रहा हूँ। इसमें से देखना, कल्याणी का अचार अच्छा रहता, कल्याणी कंपनी का। कल्याणी का छे वो नहीं, कल्याणी का बहुत अच्छा रहता। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए और यहाँ पर ले रहे सामान, देखते हैं क्या क्या मैडम का भी चालू है लेने का। तो अभी हम लोग आ गए हैं डीमार्ट से, मैं और शबनम आ गए हैं डीमार्ट से, और ये बच्चे लोग को जाना है बाहर खेलने के लिए, तो मैं बना रही हूँ ये लोग के बाल। अलीना कैसे देख रही, देखो। तो यहाँ पर सानू भी है, तो बच्चे लोग के सर में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है। तो आप इन लोगों को कल नींबू लगा के, हाँ तुम्हारे सर में, क्योंकि तुम्हारे सर में बाल ही नहीं है इसलिए तुम्हारे सर में नहीं हुआ। क्या बोल रही है, मेरे सर में तो नहीं हुआ तो इनके सर में तो बाल ही नहीं है तो कैसे होएगा। ऐसे नहीं करते, छोड़ो, सलाम करो। सलाम नहीं करे तुमने, सलाम करो। चलो हटो, आलिया दीदी के बाल बना दो। तो अभी हम लोग बनाएंगे आलिया दीदी के बाल। शबनम नीचे गई, वहां पर एक्चुअली ज्यादा व्लॉग बनाना अलाउड नहीं था, तो इसके लिए मैंने ज्यादा व्लॉग वहां पर नहीं बनाई। गार्डन में नहीं, तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बनाया हम लोगों ने, फिर भी मैंने चोरी छुपे थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना ली। और फिर शबनम चली गई अरमाले पे और मैं यहाँ पर आ गई अपने घर पे, और अभी बना रही हूँ बच्चे लोग के बाल, लोगों को जाना है बाहर खेलने के लिए। आ जाओ,
किसके बनाने का और बात अच्छा बैठ अलीना तुम्हारे बाल अरे वाह अलीना तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं बेटा तुम कल दो रिबिन लेके आना ठीक है हाँ? तुम्हारे झूठे डालूंगी मैं दो रिबिन लेके आना दो बक्कल लेके आना अच्छे बाल ठीक है तुम्हारे दो चोटी डालूंगी ठीक है अभी कई तो चोटी डालूंगी बाल ही नहीं है तुमको देखिए आप लोगों ने कितनी पागल लड़की है तो पागल लड़की है मेरा क्यूट बच्चा है हटो हटो ना सानो सानो के बाल बनाने हटो आसान अरे हट बेटे यहाँ से वहां पर मत रख बॉटल उधर ही रख दे तो अभी मैं बनाऊंगी सानो के बाल है ना आलिया सना से थोड़े ज्यादा लंबे और ये लड़की क्या बोल रही है इसको और लंबे बाल चाहिए इसको इतने बाल बस नहीं है इसको और लंबे बाल चाहिए उल्टा इसको कटवा लेना चाहिए इतने बाल को सानो इतने बड़े बाल नहीं रखने का थोड़े और छोटे आलिया सना के भी काटने वाली हूँ मैं बाल मैं खुद कंटा लेगा इतने मेरे बालों से इसको बड़े बाल चाहिए मैं अभी आले सना के बाल काटने वाली हूँ थोड़े थोड़े बच्चे लोग को है ना बच्चे लोग को ज्यादा करके शॉर्ट बाल ही अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं ज्यादा बड़े बाल बच्चे लोग को सूट नहीं करते बक्कल किधर है इतना बड़ा बक्कल मोबाइल गिरेगा ट्राइपॉड उसके ऊपर रखा हुआ है क्या चाहिए तुमको क्या चाहिए अभी भी नहीं ठीक है हाँ ठीक है अच्छा और किसके बाल बनाने का नहीं, समझ के तो मेरे पास जब तक अभी ये गोरिल्ला वाला ट्राइपॉड है गोरिल्ला वाला जो क्या बोलते हैं उसको ब्लॉगिंग वाला लेकिन इसमें भी बराबर से नहीं बैठ रहा है फोन इधर सना बाल बने हुए ना सना के हाँ। क्या करो तुम किचन में तो आज क्या बनाने का खाने में क्या बनाने का आज क्या खाने का तुमको कुछ भी नहीं ऐसी तो कोई डिश नहीं बनती कुछ भी नहीं हाँ बनती ना नहीं बनती अरे बनती ना खाली प्लेट तू किचन में खाली प्लेट तू किचन में जा मत हाँ तू किचन में नहीं जाएंगे ना तो खाना बनेगा नहीं चम्मच भी नहीं जाएगा नहीं वो बनाने की डिश बोले तुमने कुछ भी नहीं ऐसे डिश बना बोले ना कुछ भी नहीं बनेगा ऐसा होता क्या कहीं बोले कुछ भी डिश कुछ भी नहीं अब ऐसी कोई डिश नहीं है तो बोलते हैं किचन में मत जा खाली प्लेट दे देना नहीं डिश बोले ना मैंने डिश बोले ना मैंने बोली क्या बनाओ तो तुमने क्या बोले कुछ भी नहीं बनाने का मतलब ऐसे जब मैं फिरा देते अच्छा अरे वाह आले ने एकदम सही बोलिया सही बोली मतलब किचन में जाने का टोप रखने का और चम्मच हिलाने का सिर्फ और क्या बोलने का कुछ नहीं डालने का बन गई कुछ भी नहीं वाली डिश है ना सही बोली एकदम वाले जैसा बाप वैसी बेटी दोनों का दिमाग एकदम भारी चलता ये सानो और आलिया दोनों एक जैसे दिखते ना थोड़े थोड़े है ना दोनों सेम लग रहा है ऐसा लग रहा है दोनों जुड़वा है आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों को ऐसा लग रहा है दोनों जुड़वा है जुड़वा है और मेरे को मिला के तिड़वा तिगड़ा तिगड़ा के तिड़वा अच्छा बोलो ना क्या खाएंगे क्या बनाऊं आप लोग क्या रेसिपी देखना चाहते हैं आप लोग बताओ कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी देखना है किस चीज की रेसिपी आप लोगों को चाहिए हाँ खट्टी दाल की मेरे एक फॉल सब्सक्राइबर है वो खट्टी दाल की रेसिपी मांग रहे थे तो क्यों ना आज खट्टी दाल की रेसिपी बनाई जाए क्यों ना आज खट्टी दाल बनाई जाए क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं खट्टी दाल बनाऊं हाँ खट्टी दाल एक अपने सब्सक्राइबर है दोनों को दबा दो एक अपने सब्सक्राइबर है उनको खट्टी दाल की रेसिपी चाहिए थी खट्टी दाल की रेसिपी चाहिए मेरे एक सब्सक्राइबर को ये बीच में फंस गई थी तो चलो बनाते हैं खट्टी दाल और आपको रेसिपी भी देती हूँ आपका नाम मुझे याद नहीं है मैं देखती हूँ मेरा दूसरा वाला फोन किधर है देखते हैं किसको चाहिए खट्टी दाल की रेसिपी पापा मेरा वो वाला फोन लेके आ तो जरा बेटा एमआई का पर्स में से एमआई का पर्स किधर है किचन में किचन में आईफोन 1 तो 2002 में था iPhone 13 Pro किसको लेने का है मेरे को 13 Pro Max किसको चाहिए मेरे को तो हमारे कौन सब्सक्राइबर है जिनको खट्टी दाल की रेसिपी चाहिए तो चलो देखते हैं किसको चाहिए खट्टी दाल की रेसिपी तो ढूंढते हैं सब्सक्राइबर में किधर है
बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। देखते हैं किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसको चाहिए। हेलो हेलो करके और ये देखो लीना कितनी बड़ी हो गई। कमेंट देख के कमेंट देख के एक पता है क्या बोल रहा है, द टेस्ट एक्सपीरियंस। अरे हमें तो दाल की रेसिपी मालूम ही नहीं थी। ओ माय गॉड, ऐसे बनाते हैं दाल। एक 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 ऐसा कमेंट कर रहा। बोला अभी दाल की मिल जाएगी, चावल की मिलेगी। अभी दाल की मिली ना आपको, आप चावल की रेसिपी बताऊंगी आपको मैं। आपका नाम क्या है? द टेस्ट एक्सपीरियंस। आपको मैं चावल की रेसिपी दूंगी आप। फिर आप बोलोगे अरे वाह ये तो चावल की रेसिपी है, हमें तो पता ही नहीं था। किधर है, किधर है, किधर है? चिकन दम बिरयानी, एमडी फेरोज, मोहम्मद फेरोज को चिकन दम बिरयानी की रेसिपी चाहिए। ओके तो देखेंगे इंशाल्लाह। चिकन दम बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अरफा शेख, आपका ब्लॉग अच्छा लगता है और आपकी रेसिपी डिफरेंट रहती है अपने तरीके से। थैंक यू जी, हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका कल ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो मैंने नहीं डाला था, नहीं डाल पाई थी आपकी। अस्सलाम वालेकुम दीदी, बहुत सारे कमेंट है। इसमें मैं ढूंढ रही हूँ कि खट्टी दाल वाले कौन है जिसने मुझे खट्टी दाल की रेसिपी मांगी। आप डेली रेसिपी डाल रहे हो, प्लीज थैंक यू। और मेंदू वड़ा की रेसिपी, फातिमा तंबोली, इनको चाहिए मेंदू वड़े की रेसिपी चाहिए इंशाल्लाह। हाँ रेशमा सैयद, इनको चाहिए खट्टी दाल की रेसिपी, तो जरूर ओके ओके ओके। तो देखते हैं रेशमा सैयद को जल्दी से मैं देती हूँ खट्टी दाल की रेसिपी। ओके तो चलिए खट्टी दाल की रेसिपी शुरू करते हैं रेशमा सैयद जी के लिए। तो गाइस आज हम खड़े हैं इंडियन ब्लॉगर आफिन के घर पे, नहीं इंडियन ब्लॉगर आफिन के किचन में। तो तुम जाओ तो तुम दाल में चलिए शुरू करते हैं। तो ये है टमाटर और मिर्ची, कितने टमाटर खा रहा तो हमारे एक सब्सक्राइबर है वाईटी फैमिली के रेशमा सैयद, उनको खट्टी दाल की रेसिपी चाहिए था। तो चलो इमली इमली चलो हटो तुम यहाँ से, रहा पुदीना हटो ना हटो, ये बहुत मस्ती करता है, सुबह में भी बहुत सा। तो गाइस ये रहा चावल, तो गाइस ये गैस, तो गाइस तो मैं चीजें दिखा देती हूँ क्या क्या चाहिए, दिख रहा बोलो ना बोलो। और दिख तो रहा है, तो ये देखो तुवर की दाल ले ली मैंने, तुवर की दाल मतलब मैंने कितनी किलो, पाव किलो के करीब रहेंगी, पाव किलो से, हाँ पाव किलो से थोड़ी कम है। आप अच्छा। जितने भी ले रहे हो मतलब अपने हिसाब से। तो मैंने दाल को पहले यहाँ पर धो लिया है, दाल को धो करके हम लोग वैसे ही बताना चाहिए, हम लोग ऐसा नहीं बताया, मैं बोला देखो ऐसे टमाटर लिए वो चलो गुजर। तो दाल को जो है धो लिया मैंने अच्छी तरह से, धो के ले लिया। और यहाँ पर इमली है, ये बहुत ही जरूरी है खट्टी दाल में इमली, बिना इमली के खट्टी दाल का मजा ही नहीं है। तो इमली को जो है मैंने धो करके भीगने के लिए रख लिया, जब तक हमारी दाल गलेगी तब तक इमली भी जो है भीग जाएगी। और ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, लहसुन जो है मैंने यहाँ पर 5-6 के करीब अखे ले लिए हैं और बाकी के चॉप कर लिए। यहाँ पर कड़ी पत्ता है और यहाँ पर हरा धनिया है, तो ये वाले जो लहसुन है ये हम डालेंगे गलने के टाइम पे। वेरी पुदीना, यहाँ पर टमाटर हमें ज्यादा चाहिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्ची ले ली है सिर्फ, हरी मिर्ची ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लाल मिर्ची का यूज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लाल मिर्ची का मसाला है मेरे पास, और ये हल्दी पाउडर है, और यहाँ पर नमक है, यहाँ पर नमक है। तो इतनी चीजें हमें लगने वाली है, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की तरह। तो ये देखो, ये देखो दाल अभी हम डाल देंगे कुकर में, कुकर तो अब इसमें टमाटर डाल देंगे हम लोग कट करके। आप चाहे तो आंखें भी इसमें डाल सकते हैं टमाटर, चाहे तो कट करके भी डाल सकते। अब जो है हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें,
और जो लहसुन हमने जो अखे जो रखे है ये इसमें ऐड कर देंगे। लगा लगा और ऑब्वियस करके आ दूं मैं। और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें मिर्ची, मिर्ची की बुक्की इसी में डालना है, बगाते टाइम नहीं, इसी में डाल देंगे हम। और ये जो दाल बनाने का जो तरीका है ना, ये मेरी खाला से मैंने सीखा है। और ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छी बनती है दाल ये। और इसमें डाल देंगे फिर हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ इसमें नमक भी हम लोग ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो जैसे आपका प्रेशर कुकर है वो हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, ठीक है। बस इतनी ही चीजें हमें इसमें ऐड करनी है। और हाँ, एक मेन चीज तो हम भूल ही गए, यहाँ पर हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा जीरा, ठीक है, बहुत ही थोड़ा। और थोड़ा सा तड़के के लिए भी हम यूज करेंगे। तो अब कुछ नहीं, बस ढक्कन लगाकर इसको रख लेंगे हम लोग गैस पर। जैसे इसकी सीटी आएगी वैसे ही हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और यहाँ पर जो है चावल भी मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। तो एक सब्सक्राइबर है वो बोले थे अरे हमें तो बनाना ही नहीं आता, तो उनके लिए मैं चावल बना के बताऊंगी अभी। तो चावल तो मैंने धो लिए, फिर इसमें मैंने पानी ऐड किया, अब उसमें मैंने नमक ऐड किया, अब हम इसको पका लेंगे, ठीक है। और हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर को अब हम कर देंगे साइड में, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। बस हमें ये इमली और ये जो तड़के वाली चीजें हैं ये और नमक, बस इतनी चीजें की जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही इसका गैस का फ्लेम मतलब सीटी आने लगेगी तो गैस का फ्लेम जो है हम लो कर देंगे फिर, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा देर बाद मिलती हूँ मैं जब हमारी दाल गल जाएंगी। उसके बाद दाल जो है हमारी गल चुकी है, गैस का फ्लेम बंद कर दिया मैंने। अब जो है तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसकी भाप निकाल लेंगे दाल की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको, और इतना देर में अब हमें भाप में और रखने की ज़रूरत नहीं है, ये गल चुकी होगी दाल हमारी। चलिए, खट्टी दाल की रेसिपी काफ़ी दिनों से मांग रहे थे, आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है। और दो तीन लोग ने, किसी ने मेंदू वड़े की भी रेसिपी मांगी है, तो बहुत जल्दी बहुत ही आसान तरीके से मेंदू वड़े की रेसिपी लेकर आने वाली। तो हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो दाल जो है ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, और टमाटर भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। हमें और कुछ भी नहीं करना है इसमें, मतलब जैसे कि दाल घोटनी से, अगर आपकी दाल नहीं गली है ना तो आप इसको दाल घोटनी से घोट सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये अच्छी तरह से मतलब पूरी गल चुकी है दाल, तो इसको दाल घोटनी से घोटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इमली यहाँ पर हम लोग ने भिगोई है ना, ये इमली को अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे, ठीक है। और जो भी इमली का पानी निकलेगा ये पानी हम इसमें दाल में ऐड करेंगे। तो अपने हाथों का थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ इसको। आप चाहे तो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मिक्सर की जार में से मतलब इसको घुमा कर निकालते हैं, लेकिन फिर उसमें टेस्ट नहीं होता है, मतलब सारा जो इमली का जो ये छिलका होता है ना उसके अंदर वो भी आ जाता है। तो हमें छिलका नहीं लेना है, बस हमें इसका जो रस है, जो इसके जो इसके अंदर का जो खट्टापन है ऊपर का, वही हमें चाहिए। तो छिलटे से क्या होता है, थोड़ा सा मज़ा थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका जो पानी है जूस वही लेंगे, और यहाँ पर अब मैं छन्नी की हेल्प से इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो आप जैसे कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए कि आप कितना ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं, मतलब आपके घर में फैमिली में खट्टी दाल मतलब कि खट्टी होती है थोड़ी सी, तभी उसका नाम खट्टी दाल है और तभी उसका टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपको जितना चाहिए उतना आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आधे गिलास से ज़्यादा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया मैंने, और इसको पकने के लिए रख देंगे। नमक चेक कर लेंगे इसमें, नमक सही से है कि नहीं है। तो नमक की थोड़ी सी कमी है, नमक ऐड कर देते, कोई बात नहीं। वैसे भी हमने थोड़ा कम ही नमक इस्तेमाल किया था इसमें, तो नमक अब ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर दीजिए। और चावल का जो है दम हो चुका है अच्छी तरह से, ये देखिए चावल भी बन चुके हैं हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, दाल चावल और आप इसके साथ अचार या पापड़ के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जब दाल खोलेगी ना तब हम इसका तड़का जो है तैयार करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है इसको ऐसे ही रख लेते हैं, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी तड़का लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसी में तड़का लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करेंगे हम। तो दाल जो है खोल रही है, दाल खोलने लगी है, तो दाल का जो गैस कुकर है हम इस वाले गैस पर रख लेंगे और अब यहाँ पर हम लोग तड़का तैयार करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट आपको लग रहा था कुछ मेरे स्टाइल में आपको रेसिपी देखनी थी, तो होता है सबका बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, मेरा बनाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो ये जो है ना मेरी खाला की रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है गांव में, यहाँ पर तो उतनी नहीं लेकिन यहाँ से अच्छी रेसिपी तो सेम होती है, लेकिन फिर भी टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है यहाँ में और गांव की, जो बोलते हैं ना पानी वानी में थोड़ा डिफरेंट होता है ना, वहाँ का पानी अलग यहाँ का पानी अलग, तो ऐसा होता है। तो जो ये वाला गैस है हमारा, इसका फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे हम, ताकि ये खोलते भी रहे और ठंडी भी ना हो और गरम भी रहे एकदम अच्छी तरह से। जब हम इसके अंदर जब ऐड करेंगे तड़का हमारा, तो एकदम अच्छे से तड़का जो है तैयार लगना चाहिए, गरम गरम दोनों भी गरम होनी चाहिए, तब जाके हमारा जो है दाल में अच्छी तरह से तड़का लगेगा। तो सबसे पहले हम, तेल गरम हो गया, इसमें ऐड कर देंगे जीरा, राई वगैरह कुछ ऐड नहीं करनी है, ठीक है, जीरा ऐड कर दिया। उसके बाद ऐड कर देंगे लहसुन, जो लहसुन हमने चॉप किया था, और इसके बाद तुरंत ही ऐड कर देंगे इसमें हम कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते से इसी तरह से होता है, थोड़ा सा आराम से करिएगा, ठीक है। दाल भी माशाल्लाह खोल रही है, तो इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा बस हो जाए तड़का लग जाए। तो अब ये वाला कुकर यहाँ पर ले लेंगे और इस तरह से तड़का लगा लेंगे, माशाल्लाह। तो ये देखें हमारी खट्टी दाल तैयार हो चुकी है, अब जो है हम हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हो गई हमारी खट्टी दाल की रेसिपी तैयार, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा यम्मी है, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई करना, ये वाली रेसिपी को। आप चाहे तो इसको मसूर की दाल में भी बना सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल में उतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितनी ये तुअर की दाल में लगेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी मसूर की दाल में बनाई हूँ बहुत बार, लेकिन जो टेस्ट है ना इसका, जो मसूर तुअर की दाल में आता है ना, वो मसूर की दाल में नहीं आता है। आता है बट डिफरेंट होता है, थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, होता है ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो ये बात है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और मैंने जो मसाले के डब्बे ली हूँ ना, वो मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, इसलिए। तो गैस को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ, किचन को, मुझे बहुत घाई रहती है गैस किचन साफ़ करने की, मुझे ना उलझन होने लगती है कि मतलब किचन एकदम साफ़ होना चाहिए, गैस एकदम साफ़ होना चाहिए, और गैस पर जब थोड़ा सा भी तेल उड़ता है ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप लोग, दाल माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मन तो कर रहा है अभी खाऊं। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दाल है, हम इसमें निकाल लेंगे, ठीक है, दाल को इसमें निकाल लेंगे, माशाल्लाह। अचार और पापड़ के साथ ये तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगने वाली। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म खट्टी दाल की रेसिपी तैयार है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों के पास मिल जाए। और ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग ही चाहते थे कि ब्लॉग के साथ रेसिपी लेकर आओ, तो मैंने ब्लॉग के साथ रेसिपी लेकर आई। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी है मैं डेली रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कुछ इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकती, जो है वो ही शेयर करूंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।